तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। नाम की है तेरा? हसनैन रजा। हसनैन, हसनैन रजा, कितों आए हो तुसी? गुजरा वाले तो हैं? गुजरा वाले तो? गुजरा वाले? हाँ जी। ओ शुक्र है मेरा माल का, तेरा शुक्र। तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया जा फरीदा, तुरिया। इधर ही बैठ गया भाई। अरे बाबा जी, आपका मसला क्या है बताएं तो सही, कोई प्रॉब्लम है तो? उठ फरीदा सुत्या, ते डाली लग गई भूत। आप मसला बताएं, मसला क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हल करें। नाम की ये तोला? आप सबके नाम पूछ के चले जाते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। हैं? अब्दुल हबीब अत्तारी। अब्दुल हबीब? जी जी जी। ओ शुक्र है मेरे मालिका, ओ शुक्र है, चिंता ना चिंता, शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र है। हर बात में अच्छी बात है शुक्र अदा करना, कोई काम भी तो बताए ना। मोबाइल की दुकान है अवे? मोबाइल की दुकान? इधर इधर तो प्रोग्राम हो रहा है, मसला क्या है मोबाइल? ये मेरा मोबाइल खराब हो गया। मोबाइल खराब हो गया? मोबाइल खराब हो गया। अच्छा दिखाएं मुझे। अच्छा मोबाइल भी लपेट के लाए, आराम से गिर नहीं जाए, आपके हाथ बहुत कांप रहे हैं। अच्छा दे मुझे, दे। मोबाइल तो चल रहा है भाई, खराब हो गया है? खराब है? नहीं नहीं खराब नहीं है मोबाइल। कितने दिन हो गए नहीं, ठीक नहीं है, खराब है। खराब हो गया है जी। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मैं अपने मोबाइल पर मिलाता हूँ। ये तो कॉल लग रही है, कौन कहता है खराब है? देखें कॉल भी आना शुरू हो गई। मोबाइल तो ठीक है आपका? खराब है। अरे बाबा जी, मेरे आपके मोबाइल से देखें, मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही है, मैंने भी आपके सामने मिलाई और ये कॉल आ रही है। ये सारे ही कहते ने ठीक है, दे ठीक है, मेरे पुत्रां दी कॉल इहदे क्यों नहीं आउंदी? मेरे पुत्रां दी आवाज़ इहदे उत्ते क्यों नहीं आउंदी? ये खराब है। नहीं नहीं खराब नहीं है, ठीक नहीं है, खराब है। अगर ये ठीक होवे ते मेरे पुत्र मैनू कॉल ना करन, उहनां दी मैनू आवाज़ ना आवे। ये खराब है, खराब है, खराब है। अच्छा बाबा जी, आपका दुख मुझे समझ आ रहा है, आप तीसरी बार आए हैं, आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ भी मौजूद होंगे, आप कुछ पैगाम देना चाहें जो आपको दुख हो रहा है, आपको ऐसा लगता है जो मैं समझ सका हूँ अभी तक आपका मसला के आपके आपके जो। अच्छा आपका नाम तो बताएं। मेरा नाम है बाबा शुक्रदीन। बाबा शुक्रदीन, अल्लाह शुक्र है। आप हर हाल हाल च रखे है, शुक्र है अल्लाह का। बेशक अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? आप मोबाइल पर इंतज़ार करते रहते हैं अपने फ़ोन का, तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों की कॉल का? मैं इन्हों बच्चों भी यही गल कहांगा, ये अपने माँ प्यो दे कोल बया करो, उन्होंने गल्लां करिया करो। मेरा बड़ा दिल करदा मैं अपने माँ प्यो दे कोल बह के गल्लां करां, पर मैनू उन्हां दे नाल गल्लां करन वास्ते कब्रस्तान च जाना पैंदा है। जूंदे ने इन्हां दे कोल बया करो, इन्हां दे नाल गल्लां करिया करो, गल्लां करिया करो इन्हां दे नाल। वाकई बाबा जी की जो बात है ना, वो समझने वाली है कि माँ बाप हयात हैं तो उनके साथ बैठ जाइए, उनको वक्त दे दीजिए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं कि आज जब उनकी याद आती है, जब आज या आज उनसे मिलना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनकी कब्र पर बैठकर अपनी बातें सुनानी पड़ती है। कितना वो हसीन दिन होता था जब हम किसी खुशी में खुश होते थे तो माँ को जाकर बताते थे कि माँ आज मैंने ये हासिल किया है। माँ हमारी खुशी में खुश होती थी, वालिद सर पर हाथ रखता था कि बेटा अल्लाह तुझे मुबारक करे।
और जब कोई मुश्किल घड़ी आती थी तो दिल को तसल्ली होती थी कि माँ है ना, कदमों में बैठूंगा और दुआ करवा लूंगा। वालिद कहता था, वालिद कहता था, बेटा घबराना नहीं, मैं हूं। मगर आज जिनके माँ बाप चले गए उनसे पूछो कि जब तूफान आता है, जब कोई मुखालिफत होती है, जब कोई टेंशन आती है, तो बंदा सोचता है किधर जाऊं, किसके कांधे पर सर रखकर आंसू बहाऊं, किससे कहूं कि मेरे लिए दुआ करना। अकेला अकेला इंसान फील करता है। मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप हैं, खुदारा इनके कदमों में बैठो, इनको वक्त दिया करो, इनकी दुआएं लिया करो, इनसे इनकी दिल की बातें किया करो। आज बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अम्मी आपके पास बैठकर क्या फायदा, आप वही पुरानी बातें करती हो। अब्बू आपके पास बैठने का फायदा नहीं, आप बैकवर्ड बातें करते हैं। नहीं, ये वो है जिन्होंने बोलना सिखाया है, ये वो है जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, ये वो है जिनका दीदार, हदीसे पाक का मजमून है, जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अरे तुम्हारे घर में इतनी बड़ी नेकी मौजूद है, ये नेकी हासिल करो। कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, इनको राजी रखना। खुदा की कसम जब चले जाएंगे बहुत याद आएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरी माँ को दुनिया से गए शायद 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, शायद ही कोई एक दिन गुजरा होगा जब माँ याद ना आई हो। वालिद साहब को तकरीबन 2 साल हो गए, शायद ही कोई एक ऐसा दिन गुजरा होगा जब कोई उनकी बात याद ना आई हो। बहुत याद आते हैं। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे मौला जिनके माँ बाप चले गए उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। और ऐ अल्लाह जिनके माँ बाप हयात हैं उनके माँ बाप को तराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। उनके बच्चों को उनकी बरकतें लूटना नसीब फरमा। देखो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और जरूरत होती है उन्हें आपकी, हॉस्पिटल जाना है, दवाई लेनी है, इसमें जी ना चुराना। और कभी अपने पैसे खर्च करने का मौका मिले ना तो खुदा का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तूने मेरे पैसों का नसीब ऐसे बनाया कि माँ बाप पर खर्च हो रहे, जी ना चुराना उनकी खिदमत से। ये आज इस फर्जी खाके का ये मैसेज था कि माँ बाप ऐसी राह देख रहे होते हैं। मोबाइल जो परदेश में बच्चे हैं मुझे सुन रहे हैं, जो अपने माँ बाप से दूर हैं, जो वतन से दूर हैं, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुमसे दूर हैं, उनके करीब बैठा करो, उनसे बात किया करो, उनकी दिल जोई करिया करो। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह हम सब के माँ बाप की खैर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।